फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ दो ऐसी फिल्मों के बारे में जो आज रिलीज होने वाली हैं, और ये दो फिल्में बहुत ही बेहतरीन हैं। दोनों सोशल मैसेज पर कहीं ना कहीं बेस्ड है। एक्चुअली वन तो सोशल मैसेज पर बेस्ड है, दूसरी कहीं ना कहीं बायोपिक आप कह सकते हैं। ये है बत्ती गुल मीटर चालू, जी हाँ, आज रिलीज हो रही, शाहिद कपूर श्रद्धा कपूर की फिल्म है, और बिजली चोरी के बारे में, किस तरह से बिजली विभाग वाले एक बंदे को बहुत ज्यादा बिल भेजते हैं और वो बिल इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी जान दे देता है। ठीक है, अब ये उस बिल में क्या फर्जीवाड़ा हुआ था, क्या गड़बड़ हुआ था, क्या घोटाला हुआ था, और एक सच्ची घटना पर आधारित है। वहीं दूसरी जो एक फिल्म है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, आई थिंक वो है मंतो। मंतो के बारे में बात करना चाहता हूँ। मंतो बहुत ही बेहतरीन फिल्म आई थी, वो पोस्टर मैंने कहीं मिस तो नहीं कर दिया। आपको बताता हूँ कि मंतो के बारे में, मंतो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मैं आपको बताता हूँ पोस्टर किधर है, ये देख सकते हैं, मंतो का पोस्टर मैंने आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। मंतो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ये फिल्म आज रिलीज होने वाली है। मंतो आखिर कौन था, क्या था, वो थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये जो फिल्म आज रिलीज हो रही बत्ती गुल मीटर चालू, उसके बारे में थोड़ा सा रेटिंग्स बता दूं। रेटिंग्स पता चली है, और रेटिंग्स क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रेटिंग्स अगर आपको ध्यान देके बताऊं तो यहाँ पर अनुराग पांडे जो फीवर FM के है वो कह रहे हैं कि व्हाट ए जॉल्ट ऑफ लव एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिग गेव, यानी कि बढ़िया फिल्म है। और कोमल हाटा कह रहे हैं, ठीक है, बत्ती गुल मीटर चालू इज एन एंटरटेनर विद ए गुड मैसेज, एक अच्छी फिल्म है विद गुड मैसेज। और यहाँ पर अब रेटिंग्स की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा ने इसे 3.5 स्टार दिया है। पावरफुल मैसेज, स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन विद पावरफुल परफॉर्मेंस, यानी कि अच्छी स्टोरी लाइन है, पावरफुल परफॉर्मेंस है और स्टोरी बढ़िया है। और वजीर सिंह बॉक्स ऑफिस इंडिया कह रहे हैं सोशली रिलेवेंट फिल्म दैट टू बी सीन एंड हर्ड, एक ऐसी फिल्म जिसे देखा और समझना चाहिए। और 3.5 स्टार की बात करें तो मीना अय्यर DNA की है, उन्होंने दिया 3.5 स्टार। बत्ती गुल शेड्स लाइट ऑन द पावर शॉर्टेज इशू रियल इंडिया फेसेस, इसी है, यानी कि एक जो पावर शॉर्टेज का इश्यू होता है, भैया आज लाइट नहीं है, आज ये है, आज वो है, तो उसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया चोट पहुंचाती है फिल्म, ऐसा कहना है मीना अय्यर का DNA की 3.5 स्टार दिया है। और भारतीय एस प्रधान कॉलमिस्ट है, क्रिटिक है, ऑथर है, और उन्होंने कहा है कि बत्ती गुल इज बोल्ड, इट्स मूविंग, इट्स वेरी रिलेवेंट सिनेमा, बहुत अच्छी फिल्म है, एक अच्छी तरह का सिनेमा बना है और एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे फिल्म बनी है। ठीक है, आरजे आलोक का कहना है फिल्म फिल्ड विद कोर्टरूम ड्रामा एंड ब्लेजिंग परफॉर्मेंस बाय शाहिद, देवेंदु एंड श्रद्धा, यानी कि आरजे आलोक ने भी इसकी तारीफ की है। वही NDTV के रोहित खिलनानी में कहने का मतलब BGMC इज एन आई ओपनर, यानी कि बत्ती गुल मीटर चालू, वॉच इट फॉर शाहिद कपूर टेरिफिक परफॉर्मेंस, शाहिद कपूर का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, इसलिए आप देखें। और इसके अलावा कुछ लोगों ने इसे 4 स्टार भी दिया है। सुभाष केजा जो बहुत ही कम रेटिंग देते हैं, उन्होंने 4.5 स्टार दिया है। पीपिंग मून ने 3.5 स्टार दिया है। 4 स्टार दिया है प्लैनेट बॉलीवुड ने, और ग्लैमशेम ने भी 4 स्टार दिया है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि ये फिल्म लोगों को पसंद आने वाली है, लोग इस फिल्म को बहुत देखेंगे। अब ये तो बात रही बत्ती गुल मीटर चालू की, मेरा खुद का मानना है कि आप ये फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म बहुत बढ़िया है और एक अच्छी स्टोरी पर बनी है। और सिद्धार्थ गरिमा का आई थिंक डायलॉग वगैरह है, जो बहुत इसके पहले डायलॉग अच्छे अच्छे दे चुके हैं, वो भी टॉयलेट प्रेम का था। अब मैं बात करना चाहता हूँ मंटो के बारे में। मंटो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी झूठ नहीं बोलता था, समाज का वो जो भी चीज समाज में होती थी वो उसका आईना दिखाता था, यानी कि समाज में बुराई हो रही है, समाज में गंदगी हो रही है, तो मंटो वो से दिखाता था। और मंटो को लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि समाज की जो गंदगी है वो कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मंटो दिखाता था। ठीक है, तो वो लोगों को पसंद नहीं था, और कहीं ना कहीं मुंबई बहुत पसंद था मंटो को, मुंबई में रहे, काफी चीजें लिखी उन्होंने, और उसके बाद आई थिंक एक ऐसा वक्त आया जब वो छोड़ दिए मुंबई वगैरह और पाकिस्तान चले गए। और कहा जाता है कि बंटवारे के समय के जो भी घटनाएं हुई उससे मंटो काफी आहत थे। और इस फिल्म में जो जर्नी दिखाई गई है 1946 से लेकर 48 तक की, 3-4 साल के बीच की जो जर्नी थी ना आजादी से पहले की, एक दो साल पहले, आजादी के बाद के एक दो साल बाद, मंटो की लाइफ किस तरह से उस पर फिल्म है। और यहाँ पे कई सारे डायलॉग है जो सीटी बजाने लायक है, कई सारी चीज है जो आपको सीधा दिल में घुस जाएगी, यानी कि एक सच की कीमत क्या होती है वो इस फिल्म में दिखाया गया है, और एक सच बोलने वाले के साथ क्या हो सकता है वो इस फिल्म में दिखाया है। सादत हसन मंतो अपने टाइम के बहुत ही बड़े लेखकों में से एक है और कमाल का बंदा है यार, क्या लुक है यार, देखो तो जरा क्या एग्रेशन है चेहरे पे, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किल कर दिया है। और इसके बारे में एक और बात बताता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पूछा गया कितना फीस लेंगे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहले तो फ्री में काम करने के रेडी हो गए, उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कहा, अर्ज किया तो 1 रुपया सिर्फ लिया, मात्र 1 रुपया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लिया है। और ये कहता है, यही दर्शाता है कि कितना बड़ा स्टार है ये बंदा यार,
1 रुपए, क्या परफॉर्मेंस दी है ना। और इसके अलावा ये फिल्म बनाई है नंदिता दास ने, जिन्होंने इसके पहले फिराक जैसी गंभीर समस्या पे फिल्म बनाई है। और नंदिता दास जैसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर को देख के ऐसा लगता है कि सही में बॉलीवुड में अभी भी कुछ लोग बचे हैं जो फिल्में, अच्छी अच्छी फिल्में दिखाना चाहते हैं। आपको बताऊ, ये फिल्म विदाउट किसी पैसे के लोगों ने काम किया है इस फिल्म में, और विदाउट किसी पैसे के बनी है या फिर क्राउड फंडिंग के द्वारा बनी गई है। और यहाँ पे किसी ने, चाहे जावेद अख्तर हो चाहे जो परेशान ऋषि कपूर, किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया है। ये दर्शाता है कि अच्छे लोग है, अच्छा सिनेमा आप बनाओगे, लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। और सच कितना खतरनाक हो सकता है, सच कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। मंटो कई बार आई थिंक सजा वगैरह भी होने वाली थी, लेकिन सजा नहीं हुई क्योंकि कोर्ट ने उन्हें दोषी माना ही नहीं। लेकिन हाँ, लोग उनकी चीजों से जो भी वो लिखते थे उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे, या उन्हें सही नहीं लगता, क्योंकि मंटो एक रियल लाइफ चीजें बताते, किस तरह समाज में जो चीजें हो रही वो दिखाने की कोशिश करते थे। उसमें कई सारे डायलॉग जो आपको बहुत पंचिंग लगे, दिल पर घुसेंगे। एक बार ट्रेलर देख लेना, दिल करे तो जाके फिल्म देखना। फिल्म देखने के बाद आप यही कहोगे कि आपका 1 रुपया भी वेस्ट नहीं हुआ। इसकी जो कल रेटिंग में देख रहा, 3.5-4 स्टार के आसपास इसकी भी रेटिंग आई, यानी कि दोनों बढ़िया फिल्में हैं। अगर कुछ अच्छा, कुछ यूनिक सा देखना चाहते तो मन तो जरूर देखना, दिल को आपको अच्छा लगेगा। बत्ती गुल मीटर चालू भी देखना, बहुत बढ़िया फिल्म है। तो आपकी क्या राय जरूर बताइए, कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मैं दोनों फिल्में रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि दोनों फिल्में ये वाली है, दिल पे लगने वाली है, और दोनों फिल्मों का इशू बहुत ही स्ट्रांग है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।